उदयपुर में बदमाशों के हौसले फिर बुलंद हुए हैं। मंगलवार रात को एकलिंगपुरा गांव से बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को काट कर बदमाश 14 लाख रुपए ले गए। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से मिली जानकारी के पर सवीनापुर पुलिस पहुंची मौके पर। पुलिस कर रही है मामले की जांच। आरोपियों की पकड़ने के लिए विभिन्न टीम को गठित किया गया है। एडिशनल एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं। दरअसल मंगलवार रात को बदमाश बैंक ऑफ बड़ौदा के एक एटीएम के अंदर घुसे और वहां से गैस कटर इस्तेमाल करते हुए मशीन काट कर 14,28,000 रुपये चोरी कर फरार हो गए। प्राथमिक जांच में ये सामने आया कि बैंक ने उसी रात को एटीएम के अंदर 15 लाख रुपए डाले थे। हालांकि कितने रुपए चोरी किए गए हैं इसके बारे में बैंक की तरफ से रिपोर्ट मिलने पर ही ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। पुलिस कर रही है तफ्तीश।